हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं बजाज की डिस्कवर 125 के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, बजाज जो अपनी डिस्कवर सीरीज़ को पहले इंडियन मार्केट में सेल करता था, जिसमें कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स रहते थे, जैसे कि डिस्कवर 110 सीसी सेगमेंट में भी आता था, 125 सीसी सेगमेंट में भी आता था, 150 सीसी सेगमेंट में भी आता था। बट फ्रेंड्स, अभी आपको डिस्कवर जो है वो देखने को नहीं मिलता है इंडियन मार्केट में, क्योंकि BS6 में कंपनी ने जो है वो यहाँ पे डिस्कवर को डिसकंटिन्यू कर दिया। बट अभी यहाँ पे फ्रेंड्स, जिस हिसाब से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी माइलेज में 125 सीसी सेगमेंट की बाइक का डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी बजाज के पास यहाँ पे पल्सर 125 है और यहाँ पे NS 125 वगैरह है। बट अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स, तो उसका जो माइलेज है वो लगभग में 50 to 55 के अप्रॉक्स में आपको मिलता है, अगर आप अच्छे से राइड करते हैं तो। उस हिसाब से फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो डिस्कवर जो है वो अपने माइलेज के लिए ही जाना जाता था, क्योंकि इस बाइक में आपको काफी अच्छा माइलेज मिलता था। 65 के अप्रॉक्स का ये बाइक यहाँ पे माइलेज डिलीवर करता था। तो अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है डिस्कवर कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है, जैसे पीरू, कोलंबिया वगैरह जैसे देशों में सेल करती है। इसका प्रोडक्शन इंडिया में होता है, बट अभी यहाँ पे फ्रेंड्स इस बाइक को कंपनी सेल नहीं करती है। बट इन फ्यूचर इस बाइक के इंडिया में लॉन्च होने का चांसेस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा है। बट ये जो बाइक है बिल्कुल ही न्यू अवतार के साथ लॉन्च होगी इंडियन मार्केट में, जिसमें कि काफ़ी सारे चेंजेस होगा। जैसे कि अभी आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ही न्यू ग्राफिक्स और यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे अच्छे मेजर चेंजेस के साथ ये बाइक आपको देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि क्या कुछ इसका प्राइसिंग रहेगा, कब तक इसका लॉन्च का चांसेस है और कंपनी क्या क्या चेंजेस करेगी। तो डिस्कवर में फ्रेंड्स यहाँ पे 2-3 मॉडल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि UG मिल सकता है, STR मिल सकता है, STR प्रो मिल सकता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स कंपनी जो है वो सभी मॉडल्स में आपको इंजन जो है वो सेम शेयर करेगी, बस फीचर्स में ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब फ्रेंड्स, इस बाइक में आपको यहाँ पे बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन का टैंक आउट देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्राफिक्स वर्क देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल ऑफर करेगी, जिसमें कि फ्रेंड्स डिजिटल प्लस एनालॉग का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे कनेक्टिविटी फीचर्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल से डिस्प्ले रहेगा, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बेसिक फीचर्स ही डिस्प्ले कर पाएगा। अगर हम बात करते हैं इसके लाइटिंग सेटअप के बारे में, तो इसमें कंपनी फ्रंट में आपको यहाँ पे फ्रेंड्स हेलोजन में लाइट्स ऑफर करेगी, जिसमें कि LED में आपको DRLs देखने को मिलेगा। और इसका जो टेल लाइट है वो कंपनी आपको LED में प्रोवाइड करेगी, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे इस बाइक को बैकलुक प्रोवाइड करेगा। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके सस्पेंशन वगैरह के बारे में, तो कंपनी इसमें फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स प्रोवाइड करेगी, रियर में आपको शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेंगे, जो कि एडजस्टेबल रहने वाले हैं। और इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है बिल्कुल ही अपराइट रहेगा, काफ़ी अच्छा फ्रेंड्स आप इसमें जो है वो कम्फर्ट आपको देखने को मिलेगा राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही। इसमें बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन के यहाँ पर फ्रेंड्स आपको बॉडी वर्क, कलर और ग्राफिक्स का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे आपको 124.6 cc का इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोरेटेड 4-स्टॉक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन ऑफर करेगी, जो कि फ्रेंड्स पावर प्रोड्यूस करेगा लगभग में यहाँ पे 11 bhp के अप्रॉक्स में, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 11 Nm के अप्रॉक्स में। और फ्रेंड्स ये 5-स्पीड गियरबॉक्स सेटअप के साथ आएगा। कंपनी इसमें किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर देगी, और इसमें फ्रेंड्स आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि फ्रंट में आपको 200 mm का डिस्क ब्रेक, रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक आपको कंपनी ऑफर करेगी। और ड्रम ब्रेक वाला भी वेरियंट मिलेगा, जिसमें कि दोनों ही आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे रहेगा। इसमें कंपनी आपको CBS ऑफर करेगी, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें आपको ABS देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ABS ऐड करती है कंपनी तो प्राइसिंग जो है वो काफ़ी हायर साइड पे चला जाएगा। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल में फ्रेंड्स, तो ये बाइक एक यहाँ पे फ्रेंड्स बजट में ऑफरिंग रहने वाली है, जिसका कि एक्सपेक्टेड अगर हम प्राइसिंग का बात करते हैं, तो लगभग में फ्रेंड्स 85,000 rupees के अप्रॉक्स में जो है इसका एक शोरूम प्राइस रह सकता है। और ये फ्रेंड्स कन्फर्म प्राइजेस नहीं है, जब कंपनी से लॉन्च करेगी तो ही इसका जो है एग्जैक्ट प्राइसिंग पता लग पाएगा, बट अप्रॉक्स में आप इसी को मानकर चल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके लॉन्च वगैरह के बारे में, तो इस बाइक का जो लॉन्च का चांसेस है वो फ्रेंड्स इस ईयर के मिड तक लॉन्च हो सकती है बाइक। अभी तक कंपनी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जिस हिसाब से भी डिमांड बढ़ रहा है और यहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो चांसेस है कि कंपनी इसे फिर से इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दे। तो अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो वेट कर सकते हैं इस बाइक का, या फिर आपको अभी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाती है बजाज की तरफ से, जैसे कि पल्सर वगैरह, NS वगैरह और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स के ऑफरिंग है, तो आप उनका चेकआउट कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स यहाँ पे डिस्कवर 125 का एक छोटा सा वीडियो। मैं होप करता हूँ आपकी सभी डाउट्स क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी आपसे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।